सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल D17 व्लॉग्स। सो गाइस, कैसे हो आप लोग, बताओ जरूर कमेंट बॉक्स में। तो आज मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज के वीडियो में होने वाला है हमारे साथ ये होंडा SP शाइन, तो एकदम ब्रांड न्यू, जैसे कि आप देख रहे हो नंबर भी नहीं है और ये सामने अभी तक ऐसा कुछ स्टिकरिंग वगैरह नहीं निकला है। तो आज मैं ये जो बाइक आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसका एक सीन हो चुका है। तो इसको करीबन बाय करके परचेस करके शोरूम से निकाल के करीबन 4-5 दिन हुआ था। ये बाइक मेरे फ्रेंड का है, मैं जहाँ पहले दीवा में रहता था उस फ्रेंड की बाइक है ये। तो 4-5 दिन पहले उसने परचेस किया एंड कल के दिन उसका थोड़ा डिसबैलेंस हो गया, तो उसकी थोड़ी एक्सीडेंट हो गई। तो उस चीज़ में थोड़ा काफ़ी सारा डैमेज, ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ बट माइनर, जैसे मैं आपको दिखा दूँ ये जो हेड है इतना विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है पर पता नहीं। देखो ये वाला पोर्शन, और जैसे कि ये देख सकते हो ये एनी मिरर वाला पार्ट, एंड ये जो फुटरेस्ट है फुटरेस्ट भी डिसबैलेंस हो गया, एंड ये जो लेग गार्ड के वजह से गाड़ी काफ़ी बच गई, वरना भाई काफ़ी अच्छा खासा नुकसान हो जाता। एंड जैसे कि ये देख सकते हो पीछे का इंडिकेटर, तो ये सब सीन है। तो मेरे फ्रेंड ने कल मैसेज किया, बोला भाई ऐसा हो गया है। तो एंड उसके पास अभी तक फ़िलहाल लाइसेंस का उसने अप्लाई किया, लर्निंग है, पर उसका पक्का लाइसेंस वाला नहीं बना है वो। तो उसने मुझे कॉल किया एंड फिर मैं सोचा चलो आज ये काम कर लेते हैं। तो अभी हम लोग जाने वाले कल्याण अहर होंडा शोरूम में, सर्विस सेंटर में, वहाँ पर जाके देखें, क्योंकि अभी इसका नंबर भी नहीं आया और इसके बाद इंश्योरेंस भी आ जाने वाला है, मतलब आज मंडे के दिन आ जाने वाला है। तो इसका इंश्योरेंस भी नहीं है अभी तक फ़िलहाल, नंबर भी नहीं है। तो प्लान कर रहे कि जो अपना पॉकेट है उसमें से ही खर्चा करके इसको बनाया जाए, ऐसा प्लान कर रहे हैं। अगर हमारा नंबर और इंश्योरेंस जल्दी आ जाता है, क्योंकि गाइस आपको ही पता होगा बिना नंबर और इंश्योरेंस के हम लोग गाड़ी को क्लेम नहीं कर सकते। सिर्फ इसका अभी तक पासिंग भी नहीं हुआ, मतलब गाड़ी लेकर 4 ही दिन, उससे भी हमको गाड़ी लेके बिना पासिंग के गाड़ी चलाना लीगल नहीं है, बट नॉर्मल हम लोग सिटीज़ घर के आसपास चला सकते हैं। तो भाई वही बस पेट्रोल भरवाने जा रहा था, पेट्रोल भरवा के आया एंड इसके साथ ऐसा सीन हो गया। तो अभी जाते हैं होंडा शोरूम, देखते हैं वहाँ पर क्या सीन हो रहा है एंड क्या बताते हैं उन लोग। अगर पॉकेट से खर्चा कर रहे तो वहाँ पे उन लोग कितना अप्रॉक्स बताते हैं वो भी पता करते हैं, एंड फिर बात करते हैं कि हमारा नंबर आने के बाद ये चीज़ हो सकता है क्या। तो अभी करीबन 12 बज चुके हैं, फटाफट निकलते हैं क्योंकि धूप भी काफ़ी हो रहा है। तो मैं सीधा आपको मिलता हूँ शोरूम में। A few moments later. ये 50 का है। ऑलराइट, हाँ ऑलराइट। तो गाइज अभी हम लोग होंडा शोरूम पहुँच चुके हैं। तो जैसे कि आपको मैंने हमारा होंडा SP शाइन दिखाया, तो सीन ये कि इसका ना नंबर प्लेट भी नहीं आया, इंश्योरेंस भी नहीं आया। तो जो हो गया हो गया कल भाई के साथ, भाई तो बुरा मत मान, ठीक हो जाएगा। तो अभी हम लोग जो थे अंदर कोई सर करके थे, तो अभी आके गाड़ी चेक करेंगे, बताएंगे क्या खर्चा नहीं है, बिकॉज इसका इंश्योरेंस है बट सीन ये है कि ये गाड़ी पासिंग नहीं हुई। तो अभी सर आए, सर गाड़ी चेक करेंगे। ऑल राइट, तो गाइस गाड़ी वीडी चेक करके हो चुका है। तो सीन ये हो रहा है कि गाड़ी का नंबर नहीं आया है, इसके थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो जो अंदर सर है वो ये सब बोल रहे हैं कि भाई एक बार नंबर आ जाए देन आप आओ, तो फिर हम कुछ कर सकते हैं। अगर नंबर नहीं है तो सीधा हमको कुछ 4-5 हज़ार रुपये इतना खर्चा हो रहा है। तो फिलहाल देख सकते हो गाड़ी बाहर है, ये जो इसके इतने मेजर्स उतना दिक्कत नहीं आ रहा है बट इसके खराब को, जैसे कि आपको पता ही है शोरूम में खर्चा काफ़ी अच्छा होता है, उनके प्राइजेस, उनके जो MRP होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। A few moments later. All right, तो guys welcome back. तो guys जैसे कि आपने देखा हम लोग शोरूम गए थे, फिलहाल अभी तो मैं घर आ चुका हूँ क्योंकि भाई हम लोग करीबन 12 बजे निकले थे ना, अभी कि कुछ 5 बजने आ गए। तो मैं घर आया, चेंज वेंज किया क्योंकि मुझे वहाँ पे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, एंड वो जो शोरूम का प्रीमाइसेस था हम लोग को वहाँ पे शूट करने का परमिशन भी नहीं था। मतलब उन लोग ऐसा बोल रहे थे कि भाई आपको जो भी शूट करना है, जो भी रिकॉर्ड करना है, आप शोरूम के बाहर जाके करो। तो जैसे कि आपने देखा इतना खर्चा बता रहे थे, हम ट्राई कर रहेंगे कि थोड़ा कम में भी हो सके तो ट्राई करें, क्योंकि सीन ये था जैसे कि मैं आपको बताया नंबर नहीं आया था, इंश्योरेंस नहीं था, इस वजह से हम लोग उसको क्लेम नहीं करवा सकते इंश्योरेंस में। तो जो भी हमें पॉकेट से खर्चा करवाना पड़ेगा, मुझे भी काफ़ी दुख लग रहा है कि भाई ने गाड़ी लिया एंड कुछ दिन में ही हो गया, तो मुझे भी काफ़ी बेकार लग रहा है। तो देखते क्या होता है, अगर उसने करीबन शोरूम में 4.5-5 हज़ार बताया है, तो हम लोग आफ्टर मार्केट ट्राई करेंगे, आफ्टर मार्केट में थोड़े कम में मिल जाए। जैसे कि आपको पता है हमारा थोड़ा ग्रैंड रोड में है, तो हमें थोड़ा वो डिस्काउंट मिल जाता है, तो ट्राई करेंगे वहाँ से, वरना देखेंगे जो भी है कुछ हम लोग देखेंगे, अभी कुछ पता नहीं। अगर जो भी ऐसा कुछ रहेगा आपको पता, आपको तो अपडेट मिलता ही रहेगा। तो मैं भी काफ़ी थक चुका हूँ, अभी मुझे जाना है, मेरी एक्टिवा लेने, जैसे कि मैं आपको बताया था इंजन वर्क उसका करना है, इंजन वर्क उसका कंप्लीट हो चुका है, तो अभी जा रहा हूँ एक्टिवा लेने। तो गाइस मिलता हूँ आपको फिर से कोई एक नई वीडियो में, तो तब तक के लिए स्टे ट्यून,
बाय बाय। I want to reach 1 million.